उत्तर प्रदेश के बारे में आपने रिपोर्ट में देखा, और अब आपको दिखाते हैं पंजाब का ओपिनियन पोल। पंजाब का ओपिनियन पोल जो इस वक्त कह रहा है वो ये कह रहा है, सीटें आपको मालूम है वहां 117 सीटें हैं और आम आदमी पार्टी को 48 से 52 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, कांग्रेस को 31 से 35 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, अकाली दल और उनके सहयोगियों को 19 से 22 सीटें दिखाई दे रही हैं मिलती हुई, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगियों को 6 से 11 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि अदर्स अन्य के खाते में एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब वोट शेयर के हिसाब से पंजाब की तस्वीर क्या है, वोट शेयर के हिसाब से आम आदमी पार्टी को 34.5% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस को 31.4%, अकाली दल और सहयोगियों को 16.3%, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 12% से थोड़ा ज्यादा, और अदर्स के खाते में करीब करीब 6%, 5.7% वोट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पंजाब चुनाव में तस्वीर जो बन रही है ओपिनियन पोल के मुताबिक, पंजाब चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कड़ी टक्कर है। दोआब के इलाके में, जिसे दोआबा का इलाका भी कहते हैं, उसमें कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से ज्यादा, माझा इलाके में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से ज्यादा सीट मिल रही है, और माझा इलाके में दूसरे नंबर पर शिरोमणि अकाली दल रहेगा, सर्वे ये बता रहा है। मालवा इलाके में भी आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से ज्यादा वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।